नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोग जी आए, क्या हाल चाल आपका। उम्मीद करता हूँ आज का दिन बहुत खूबसूरत होगा। आई विश यू एवरी वन अ ब्लेस्ड गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे है और मैं आज थोड़ा जल्दी आ गया, मैंने तभी स्टोरी भी डाल दी थी ताकि आप लोगों को पता लग जाए और हेलो कृति हाउ आर यू, आप लोगों को पता लग जाए और आप लोग लाइव आ जाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मुझे लाइव रिक्वेस्ट कौन भेजता है। नहीं हुई है मेरी कोशिश होनी से। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते, बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लुधियाना से सर। लुधियाना में कहाँ से? सिविल लाइन। सिविल लाइन। पूछो सवाल आपसे। सर सवाल मेरे को ना झाइयाँ हो गई थी सर। अच्छा, ये भी नाक पे हल्का हल्का दाग दिखा। अच्छा, कितना वक्त हो गया? सर मेरे को पता ही नहीं चला, किसी ने बताया कि झाइयां हुई है आपको। अच्छा, फिर मैंने डॉक्टर के पास तो गया नहीं, आपकी वीडियो देखा था पहले, शायद सर्दियों में देखा था, तो मैंने एक आध महीना फॉलो किया था, फिर सर्दी आ गई थी। अच्छा, फिर अभी अभी फरवरी से स्टार्ट कर दिया मैंने, फॉलो किया मैंने। अच्छा, क्या क्या स्टार्ट किया? डाइट तो आपकी प्रॉपर ले रहा हूँ सर मैं। सुबह उठता हूँ, गर्म पानी लेता हूँ 2-3 गिलास, उसके बाद 4:30 उठ जाता हूँ मैं, फिर एक्सरसाइज 1.5 घंटे पूरा। अच्छा, हाँ, डम्बल उम्बल वगैरह मैं घर पे ला के रखा हूँ रूम पे ही। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। रूम पे सर, और उसके बाद मैं फिर फ्रूट खाता हूँ, केला हो गया, पपीता हो गया, और ये तरबूज आता है, अभी तरबूज ले लेता हूँ 3-4 फिर जाके बाउल भर के फ्रूट। फिर उसके बाद में ड्राई फ्रूट ले लेता हूँ, हरी मूंग होती है ना, उसको स्प्राउट बना के करीब 200 ग्राम तक एक बाउल, उसको भी अच्छे से। हाँ, फिर सोया वाली पनीर आती है, साथ में उसको डाल लेता हूँ। अच्छा, फिर सोया मिल्क में वो अपना वो ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स, और फ्लैक्स सीड नहीं लेता, उससे मेरे को पिंपल आते हैं बहुत। अच्छा ठीक है। हाँ, चिया सीड ले लेता हूँ। चिया सीड्स लेता हूँ, उसमें फिर 10-12 बादाम डाल लेता हूँ, किशमिश डाल लेता हूँ, और सिनेमन पाउडर डाल लेता हूँ, उसको मैं रात में भिगो देता हूँ, सुबह आराम से उसको स्मूदी नहीं बनाता मैं, वैसे खा लेता हूँ सोया मिल्क में। हाँ जी ठीक है। बाकी फिर दोपहर का, दोपहर में मैं या तो काले चने बना लेता हूँ डाइट में, चने चावल या फिर राजमा चावल ऐसे। शाम को फिर सोयाबीन की वो सोया बड़ी होती है ना, सोया चंक साहब ने बोला है, वो हो जाता है, तो दाल हो जाती है, दोनों टाइम लेता हूँ सर। अच्छा, इन 1-1.5 महीने में कुछ फर्क महसूस हुआ आपको? फर्क तो काफी, मतलब एकदम लाइट हो गया, मेरे को हल्का फुल्का दिख रहा है बस, अगर गौर से देखो एकदम ध्यान से, तो बाकी तो फर्क काफी पड़ गया सर। मतलब कितना परसेंटेज चला गया? कितना परसेंटेज चला गया? तो मेरे को लगता है 19% चला गया होगा सर। ये ना, मतलब पहले ना मेरा चेहरा मेरे को पता ही नहीं चला, इधर मैं धूप में रहता था तो पहले हेलमेट नहीं लगाता था ना, बाहर मार्केटिंग काम रहता है तो हेलमेट नहीं लगाता था ऐसे धूप में, तो धूप से मेरे को लगता हो गया, पहले पता नहीं किसी ने बताया, फिर झाइयां हो गई, ये सब पूरा साफ हो गया, ब्लैक हो गया था। अभी ना ये नाक पे ना थोड़ा ये डार्क डार्क दिख रहा है बस, हल्का हल्का, ध्यान से देखो तो। अच्छा, बस आप ऐसे फॉलो करते रहो और जितना भी बचा हुआ है सब चला जाएगा, इसका कोई इलाज विलाज नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ जी सर, तो बस मैं आपकी देखता हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ जी सर, एक मेरे को ना ये एलर्जी हो जाती है, यहाँ पे ना रेडनेस होती है और उसमें ना व्हाइट व्हाइट से जैसे वो निकल आते, पता नहीं क्यों, ये किस वजह से होती है? डाइट तो पूरी ले रहा हूँ, सलाद लेता हूँ, सारा कुछ लेता हूँ, एक्सरसाइज तो मैं 1.5 घंटा दम के मतलब अच्छी करता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज में पहले भी करता था, एक्सरसाइज से तो मैं कोई वो नहीं है, एक्सरसाइज तो काफी करता। आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन अब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीजें बैलेंस हो जाती हैं, थोड़ा वक्त लगता है तो वो हर चीज बैलेंस हो जाएगी, अगर बॉडी में कोई और प्रॉब्लम भी होगी ना तो वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, बाकी वो फिश ऑयल मल्टीविटामिन सर, बाकी और कोई प्रॉब्लम अगर डाइट में कोई दिक्कत सर? नहीं बस सर, डाइट फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और सप्लीमेंट्स में क्या क्या ले रहे हैं आप? प्रोटीन, प्रोटीन तो मैं जितनी चीज खाता हूँ ना सारे में प्रोटीन, मैं मतलब सोया चंक्स हो गया उसमें भी प्रोटीन होता है, राजमा भी प्रोटीन, आपने बताया राजमा प्रोटीन में, और ये स्प्राउट भी सारे उसमें भी, स्प्राउट में 200 ग्राम खाता हूँ, इसमें से मेरे को 25-30 ग्राम प्रोटीन कम से कम इसमें ही मिल जाता है मेरे को। अच्छा
चलो ठीक है, बड़ी अच्छे। देखो मेन तो डाइट है, अगर डाइट में कहीं कमी पेशी लगती है, डाइट में सर प्रॉपर्ली फॉलो करता हूँ, डाइट में कोई वो नहीं है, डाइट में ना कोई दिक्कत नहीं है, डाइट में पूरा करता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, ये रेडनेस होती है सर, रेडनेस जैसे इसका कोई इलाज नहीं, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो ना, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो ना तो धीरे धीरे बैलेंस होगी चीज बॉडी में, ठीक है। आपकी सेंसिटिव स्किन है वो धीरे धीरे बैलेंस होगी, उसमें वक्त लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आप फॉलो करते हो, आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड। वो सनस्क्रीन मैं ना दिन में एक बार ही लगाता हूँ, क्योंकि टाइम होता नहीं अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जब धूप में जाना रूम से तभी निकाल लगा के निकल जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाए हुए हैं, चलिए सबसे पहले हम आज लुधियाना घूम आए हैं।